Today we are discussing about the specially designed PN junction. Student, previously हम लोग formation and biasing of transistor पे बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने PN junction diode को as a rectifier भी इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से हम लोगों ने AC को DC में convert किया था. आज हम लोग कुछ specially तौर पर designed PN junction devices के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास है light emitting diode or in short LED. A PN junction which converts the electrical energy into a light energy is called LED. ऐसा PN junction student जो electrical energy को light energy में convert करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे LED का. अगर हम इसके sample की बात करें, तो ये हमारे पास एक PN junction diode है student, जिसका P side है, ये N side है, और इससे मैंने जो rays light rays हैं, ये outward direction में बनाई हैं, क्योंकि ये वाला PN junction जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. हम इसकी बायसिंग करेंगे, और इसकी बायसिंग स्टूडेंट याद रखें फॉरवर्ड बायसिंग की जाएगी. पी साइड को विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट किया जाएगा, और एन साइड को विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट किया जाएगा. जब हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये लाइट एनर्जी इमिट करेगा. तो आया कि ये जो स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड होता है, स्पेशली तौर पर एलईडी, इसकी फॉर्मेशन कौन से मटेरियल से की जाती है? तो इसकी फॉर्मेशन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर लें, और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड टाइप का मटेरियल यूज़ करते हुए हम लोग स्पेशली तौर पर पीएन जंक्शन, एलईडी पीएन जंक्शंस को डिवाइस करते हैं. आया कि ये एलईडी पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करता है, ये हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम को यूज़ करते हुए. सपोज करें ये मेरे पास पी एन जंक्शन है, जो कि स्पेशली तौर पर गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से डिवाइस किया गया है. तो देखें, इसकी मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की है. पी साइड को विद द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट किया है, एन साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. आप लोग जानते हैं जब पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरी फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड, बोथ विल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन. ये दोनों जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, और इनका यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनटू होल्स होगा. आप यूँ कह सकते हैं कि जब दोनों पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन से और होल्स पी से, जब दोनों जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा. तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप रिकम्बाइंस होते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ अ रेडिएशंस. अगर हम लोगों ने ये पीएन जंक्शन बनाया है गैलियम आर्सेनाइड का, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप रिकम्बाइंस होंगे ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी रेडिएशन की फॉर्म में, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है. तो यही वजह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ रिकम्बाइन होगा, तो वहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी, अगर ये पी एन जंक्शन गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ है, तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी. तो यहाँ से हमें यहाँ पे जब इनका रिकम्बिनेशन होगा, तो लाइट इमिट होता हुआ नजर आएगा. तो इस तरह से हम लोग इस पी एन जंक्शन को एज अ सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करेंगे. अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन या जर्मीनियम से बना हुआ एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, तो उस केस में भी एनर्जी इमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन होता है, लेकिन वो जो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट होता है स्टूडेंट, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इनविजिबल रीजन में आता है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ अ सिलिकॉन एंड जर्मीनियम जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, तो जो एनर्जी इमिट होती है वो हमें नज़र नहीं आती इन फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करता है. अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर हम लोग एलईडीज को यूज़ करते हैं, एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के तौर पर भी हम लोग एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं. ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्या है? ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है, एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में स्टूडेंट हम लोग सेवन नंबर्स ऑफ एलईडीज को इस्तेमाल करते हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब एक एलईडी को यूज़ करते हुए आप लोग एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ करते हुए आप लोग 0 से अप टू 9 तक का कोई भी डिजिट यहाँ पे राइट कर सकते हैं. देखिए, अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसको यूज़ करते हुए 3, तो मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 को एक्टिव कर दूंगा, 6, 7 को इनएक्टिव कर दूंगा, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1, तो मैं 2 और 4 एलईडी को एक्टिव कर दूंगा, बाकी सब को मैं डीएक्टिव कर दूंगा. तो इस तरह से मैं 1 लिख सकता हूँ. अगर आप लोग ओनली 1 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग 0 से लेकर 9 तक कोई भी काउंटिंग लिख सकते हैं. अगर आप लोग 2 एलईडी यूज़ कर 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर लें,
तो आप लोग 0 से 99 तक कोई भी काउंटिंग, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर आप लोग 3-7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर लें, आप 0 से लेकर 999 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों ने, आपके पास इलेक्ट्रिकल जो वॉचेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, आप लोगों ने माइक्रोवेव ओवन की स्क्रीन पे देखा होगा, डिजिटल रेफ्रिजरेटर की स्क्रीन पे देखा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे आप लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे 7 सेगमेंट का इस्तेमाल हुआ है एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं, या इसे हम लोग काउंटिंग लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोटो डायोड की, पी एन जंक्शन विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखें ये जो एलईडी है इसकी बायसिंग की जाती है फॉरवर्ड सेकेंडली, और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। तो यहाँ पे एक फोटोडायोड, ये भी स्पेशली तौर पर डिजाइन पीएन जंक्शन है, इसका क्या काम है? पीएन जंक्शन विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे हम लोग लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये इसको हम लोग नाम देंगे, इस स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन को हम लोग नाम देंगे फोटो डायोड का। ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे पी साइड है, ये एन साइड है, स्पेशली तौर पर पीएन जंक्शन डायोड है। पी साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ लगाया, एन साइड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो ये इसकी रिवर्स बायसिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से एक डबल कन्वेक्स लेंस लगाया है। आप लोग जानते हैं कि डबल कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। सपोज कर ले यहाँ से 3 नंबर ऑफ रेज आ रही हैं जो कि पैरेलल हैं, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस इन 3 पैरेलल रेज को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा ऑन अ पी एन जंक्शन। जब यहाँ पे पी एन जंक्शन पे ये इंसिडेंट रे जो है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज होंगी, ये पी एन जंक्शन के अंदर जो एटम्स हैं इन रेज को ऑब्जॉर्व करेंगे, इन फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करेंगे। जब इस पर लाइट पड़ेगी तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब इस पीएन जंक्शन में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो होगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर प्रोडक्शन की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल मूव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टूवर्ड द एन की तरफ मूव करेंगे, जो होल्स होंगे टूवर्ड द पी मूव करेंगे, क्योंकि इधर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होने हैं, इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द नेगेटिव, पॉजिटिव एंड होल टूवर्ड द नेगेटिव मूव करेंगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई करंट इस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी, करंट फ्लो करेगा। तो इसी तरह से इसी यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं डिटेक्शन ऑफ अ विजिबल एंड विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशंस आर मेड बाय यूजिंग द फोटोडायोड। आप रेडिएशंस को अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, यहाँ पे आप लोग चेक करना चाहते हैं यहाँ पे रेडिएशन है या नहीं है, आप फोटोडायोड का इस्तेमाल कर लें, फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग कर दें। अगर यहाँ पे फोटोडायोड के क्रॉस आप लोग कोई करंट का डिटेक्शन देखते हो, आपको लाइट नज़र नहीं आ रही, आप बोलोगे यहाँ पे रेडिएशन है। अगर यहाँ पे कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है। आप इस पर इंसिडेंट विजिबल लाइट को करवाएं, इनविजिबल रेडिएशन को इंसिडेंट करवाएं, जो आपको नज़र नहीं आती आम इंसानी आँखों, जिस तरह से एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट्स हैं, ये आपको नज़र नहीं आती, आप इस पी एन जंक्शन पर मारें, ठीक है, इसके क्रॉस कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा ड्यू टू अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर रेडिएशन मौजूद हैं। सेकेंडली ऑटोमेटिक स्विचिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल पाया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मीन जब ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हुए आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे लाइट सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। जब लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, आप लोग फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इसके सैम्पल्स की बात करें स्टूडेंट, इसका सैम्पल यहाँ पे ये पी एन जंक्शन डायोड ही है, और यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट उनका एरो अंदर की जानेब है, मीन लाइट रेज मारेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। और सेकेंडली बात रही कि ये कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे मैंने ग्राफ से इसको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप लोग देखें, एक्स एक्सिस मैंने इंटेंसिटी लिया है, वाई एक्सिस मैंने करंट लिया है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोटोडायोड के क्रॉस प्रोड्यूस होने वाला करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये सेंसिटिव टू द लाइट होता है, जैसे स्मॉल अमाउंट में भी लाइट इस पर इंसिडेंट करवाएंगे, रेडिएशन में करवाएंगे, फौरन ये इसमें से करंट इस्टेब्लिश होगा। जैसे इंसिडेंट लाइट खत्म होगी, आप बंद करवाएंगे इंसिडेंट लाइट करवाना, तो यहाँ पे करंट का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा। इसे आप लोग ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग बात करें फोटोवोल्टेक सेल। फोटोवोल्टेक सेल जो है स्टूडेंट, द पी एन जंक्शन विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इन टू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ पे फोटोडायोड और फोटोवोल्टेक सेल में मेन डिफरेंस ये है कि ये इसकी रिवर्स बायसिंग की जाती है और इसमें नो बायसिंग होती है, कोई बायसिंग नहीं होती, अदरवाइज दोनों का फंक्शन सेम है।
ये भी इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग फोटोवोल्टिक सेल की बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो एन रीजन होता है वो थिक होता है और पी रीजन को यहाँ पे थिन रखा जाता है। आप लोग जानते हैं एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। जब आप लोग ये पी एन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप डिफ्यूज इन टू अ होल्स इन पी साइड। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में होल्स के साथ डिफ्यूज होंगे, रिकम्बाइन होंगे, तो एन साइड के अलॉन्ग एक पॉजिटिव लेयर ऑफ आयन डिवेलप होगी और पी साइड के अलॉन्ग भी एक नेगेटिव लेयर ऑफ आयन डिवेलप होगी। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर्स ऑफ आयंस की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल बैरियर का। लेकिन जब हम लोग बात करें यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है अक्रॉस दिस पीएन जंक्शन, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पीएन जंक्शन के अंदर सेमीकंडक्टर्स एटम्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है स्टूडेंट, उसकी वजह से यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो वो जो प्रोड्यूस्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स हैं उनके लिए ये जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो भी उनके लिए सफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक करंट का फ्लो देखने को मिलता है अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे पी एन जंक्शन के अक्रॉस, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही उन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए सफिशिएंट होगा कि वो टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था स्पेशली डिजाइन पी एन जंक्शन से मुतलिक। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।